आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आपके मुंह में कोई किसी भी तरह का कोई भी सफ़ेद धब्बा है तो कौन सा सफ़ेद धब्बा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, आपको उसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सफ़ेद धब्बे होते हैं जिसको कि तुरंत ही आपको डेंटल क्लिनिक में जा करके उसका चेकअप कराना चाहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा, अंत तक जरूर देखिएगा। अगर उसके बाद भी आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपके मुंह में किसी भी तरह का कोई सफ़ेद धब्बा हो रहा है तो उसके रीज़न क्या है ये सफ़ेद धब्बे के बनने के। सफ़ेद धब्बे जो है वो कभी कभी बिना किसी रीज़न के बनते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होते हैं। जैसे कि अगर किसी भी तरह का आपको कोई हैबिट्स है, लाइक अगर आप टोबैको च्यूइंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली लाइफ अगर आपकी है, या बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी वाला अगर आप खाना खाते हैं, तब अगर आप खाना जो है बिल्कुल हेल्दी नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस लेते हैं, ऑयली चीज़ें लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके मुंह में सफ़ेद धब्बे के लिए ज़िम्मेदार होती हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल केसेस होते हैं और वो देख करके बिल्कुल डर जाते हैं कि ये जो है वो कहीं बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन तो नहीं बन गया है, क्या कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें जो होती है वो डेंजरस होती हैं और उनको जांच की आवश्यकता होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप अपने घर पे ही रह के पता कर सकते हैं। एक एक करके बस पॉइंट्स को समझना है। जैसे कि अगर आपके मुंह में किसी भी तरह का कोई सफ़ेद धब्बा हुआ है और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी हैबिट करने की आदत नहीं है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हो सकता है कि आपके ये फोर्डियस ग्रैन्यूल्स हों, मतलब एक नेचुरल तरह का आपके जो सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं वो भी, जिसकी ओपनिंग अगर होती है कभी कभी तो वो जो है वो बहुत मोटे मोटे से दाने जैसे और सफ़ेद सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं, जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल होता है। आपके मुंह में कई तरह के जो हैं वो संरचनाएं बाकी लोगों की अपेक्षा अलग अलग हो सकते हैं, और अगर आप हैबिट्स में नहीं होते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि आपके मुंह में कोई भी धब्बा जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो आप एक बार उसको ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं और एक वीक के बाद फिर से देख सकते हैं कि क्या वो धब्बे जो हैं वो बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अगर वो धब्बे बढ़ते हैं तो आपको डेंटिस्ट के पास जा करके एक बार चेकअप करानी चाहिए। अगर नहीं बढ़ते हैं तो एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है जो कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से हो सकती है, एटमॉस्फेयर चेंजेस होने की वजह से हो सकती हैं, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो आप एकदम इजी जो है इसको लीजिएगा, इसको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हैबिट्स में है, जैसे कि आप या तो गुड़ाकू करते हैं, या तो गुटखा खाते हैं, या धूम्रपान करते हैं, या फिर टोबैको को आप जो है वो चूने के साथ मिला करके खाते हैं, और ऐसे कंडीशन में अगर आपके मुंह में जो है वो वाइट वाइट कलर के कोई पैचेस बन रहे हैं, या पूरी की पूरी मुंह अगर वाइट कलर की हो रही है, तो आपको बिल्कुल जो है वो सतर्क रहना है और कोशिश करनी है कि कौन सी कंडीशन जो है वो अब आपकी ख़राब हो रही है। जैसे कि अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं और आपके मुंह की जो ऊपर की जो परत होती है जो कि एपिथेलियल की होती है, तो ये परत पे जो है वो दो तरह की जो है वो स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं। या तो ये एपिथेलियल की लेयर जो है वो मोटी हो सकती है, जिसे कि हम लोग हाइपरकेराटेटिक बोलते हैं, या तो ये परत जो होती है वो पतली हो सकती है, जिसे कि हम लोग इरोजिव कहते हैं। ये दोनों ही कंडीशन जो होती हैं वो एक डेंजरस कंडीशन मानी जाती हैं, क्योंकि कौन से कंडीशन जो है वो डिस्प्लेशिया में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन से कंडीशन जो है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, देख करके समझ पाना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए बहुत ज्यादा जो लोग हैबिट्स में होते हैं, कंडीशन में आने के बाद भी अपने हैबिट्स पे कंट्रोल नहीं करने पाते हैं, तो ऐसे लोगों को बायोप्सी करने की सलाह जो है वो दी जाती है। जैसे कि अगर किसी को इरोजिव टाइप का अगर उसका एपिथेलियल हुआ है, मतलब पतला हो गया और वहाँ पे सफ़ेद धब्बे हुए हैं, तो ये धब्बे जो हैं वो वहाँ पे आपको बर्निंग फील हो सकती है, क्योंकि वहाँ की एपिथेलियल जो है वो बहुत पतली है, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो आपका बहुत उसके नियर में होता है, इसी वजह से जब आप गर्म लेते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, या फिर तीखा खाना लेते हैं तो भी आपको दिक्कत होती है। ऐसे कंडीशन में अगर आप में सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो क्वांटिटी में अगर वहाँ पे बनने लगते हैं, तो ये जो है वो एक तरह का डेंजरस कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है। और इसके साथ ही साथ अगर आप धूम्रपान करते हैं और अगर इस ड्रिंकिंग करते हैं, तो ये बहुत ही वर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है और इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। अगर किसी को चिक बाइटिंग की वजह से वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद रंग के धब्बे हुए हैं, तो चिक बाइटिंग को आप तुरंत ही उसको सुधार कर सकते हैं। आप अपने डेंटल क्लिनिक जा करके वहाँ पे दांतों को अच्छे से जो है वो नुकीली पार्ट को उसको सॉफ्ट बना सकते हैं, जिससे कि आपका ये जो चिक बाइटिंग है वो बार बार ना हो, क्योंकि अगर बार बार कहीं पे भी चिक बाइटिंग हो रही है तो वहाँ पे हीलिंग के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, और हीलिंग नहीं होगा तो वहाँ पे जो है वो ऐसे सेल्स जो हैं वो डेवलप होने लगेंगे
जिससे कि आपको कैंसर हो सकता है। तो मुंह के कैंसर को बहुत ही इजी वे में डिटेक्ट किया जा सकता है और बहुत जल्दी जो है उसे ठीक किया जा सकता है। बट हर कंडीशन जो होती है वो एक सी नहीं होती है, आपको हर कंडीशन को नॉर्मल नहीं समझना है, या फिर ये कह सकते हैं कि हर जो है वो नॉर्मल से कंडीशन को बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेसफुल टाइप से नहीं लेना है या बहुत जो है टेंशन में नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि कहीं नॉर्मल सी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं। तो आप अपने डेंटिस्ट से ज़रूर विज़िट कीजिएगा, चाहे वो कोई भी नॉर्मल कंडीशन हो या फिर एबनॉर्मल कंडीशन हो, क्योंकि इसका डिटेक्शन जो है वो आपके डेंटिस्ट बहुत ही अच्छे से कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है ना कि एक बार आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपके डेंटिस्ट ऐसा बोलते हैं तो आप अपने उनके ऊपर बिल्कुल भी डाउट मत कीजिएगा और आप दूसरे तीसरे डॉक्टर से फिर से दिखा करके आप स्ट्रेस वाली लाइफ को मत आइएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि अगर डेंटिस्ट बोले हैं कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है, अगर कोई मेडिसिन नहीं दिए हैं तो ये अच्छी बात है, या फिर किसी भी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि आपको मेडिसिन चलाने की ज़रूरत पड़ी है तो भी आपको ये नहीं सोचना है कि मेडिसिन चल रहा है मतलब हमको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, क्योंकि सोच जो होती है बीमारी का एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो माना जाता है। आपका माइंड जो है वो इतना ज़्यादा कैपेबल है किसी भी चीज़ को हील करने के लिए कि अगर आपको ये लगता है कि आप ठीक हो जाएंगे तो 100% जो है वो आपके बॉडी में हीलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपका जो है वो कंडीशंस बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रहा है तो शायद ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल कंडीशन भी आपके जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएं। तो इसीलिए अगर आपके मुंह में कोई चेंजेज हों तो प्लीज़ उसे चेक कराइए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो लोग जो हैं छोटी छोटी चीज़ों को देख करके बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और अपने डेंटिस्ट के पास जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।